ब्रजभूषण शरण सिंह। पहले ये नाम बड़ा ही साधारण लगता था और कुछ लोग ही इस नाम से परिचित थे, लेकिन जब से पहलवानों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला है और वे जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, तब से ये नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इतने कड़े विरोध और गंभीर आरोपों के बाद कोई भी साधारण इंसान अब तक जेल की सलाखों के पीछे होता, लेकिन जब नाम ब्रजभूषण हो तो क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके सर पर किसका हाथ है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब इस बात को जानते हैं। ऐसे में कोर्ट और पुलिस का कहना है कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक महिला पहलवान थी जिसने ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन कुछ समय बाद उसने भी अपना केस वापस ले लिया। अब केस वापस क्यों लिया ये भी आप सभी जानते हैं, इसे भी बताने की जरूरत नहीं है। उन्नाव वाले कुलदीप सेंगर तो आपको याद ही होंगे, जब उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी तो उन्होंने विक्टिम के पूरे परिवार को ही साफ करा दिया। लेकिन अब ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सामने 25 लोगों ने इसके खिलाफ गवाही दी है और कुछ सबूत भी पेश किए हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि अब ब्रजभूषण का जेल जाना बिल्कुल तय है। तो आइए जानते हैं कौन है वो 25 लोग और क्या है इनके सबूत। दिल्ली पुलिस से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि ब्रजभूषण के खिलाफ जिन 25 लोगों ने गवाही दी है उसमें अंतरराष्ट्रीय पहलवान बजरंग पुनिया, हरियाणा के एक नेशनल पहलवान की दो बहनें साक्षी मलिक, बबिता फोगाट, WFI के कोच और रेफरी भी शामिल हैं। इसके अलावा रोहतक में मौजूद महावीर अखाड़ा के 15 और ऐसे पहलवान जिनका किसी न किसी रूप में शोषण हुआ है। सबूत के तौर पर इन्होंने 1000 से भी ज्यादा फोटोज दिल्ली पुलिस को सौंपी हैं। जल्द ही दिल्ली पुलिस इस केस की चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो चलिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं और इंतजार करते हैं पहलवानों के इंसाफ का। लेकिन यहाँ आपके लिए एक सवाल है, और सवाल ये है कि आपको वर्तमान न्याय व्यवस्था और दिल्ली पुलिस पर कितना भरोसा है, अपनी राय मुझे कमेंट कर बताइए, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।